विद्या भारती द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में मैं रंजना सहल आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने कक्षा नवमी में द्वितीय पाठ वो पूरा कर लिया था, उसके प्रश्न उत्तर भी तीन तक पूरे कर लिए थे। आज हम चौथा प्रश्न करेंगे। चौथे प्रश्न में है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुतय, मतलब प्रकृति प्रत्यय मतलब इसके साथ उपसर्ग भी लगे हुए होते हैं, धातु भी लगी हुई होती है और फिर उसका शब्द भी प्रत्यय बना के लगा के हमें लिखना होता है। तो इन्होंने हमें ये तोड़ कर दे रखा है पूरा, हमें इसका संयोजन करना है, इसको मिला करके लिखना है। कह है विलोकलप्य, जिसका बनता ल्यप जिसका बनता है विलोक्य। दूसरा शब्द है निक्षिप ल्यप, इसका बनता है ये नि उपसर्ग लगा वि उपसर्ग लगा हुआ है, लोक धातु है क्षिप धातु है ल्यप प्रत्यय है, इसका बन जाएगा निक्षिप्य। इसमें गय में है आ उपसर्ग है गम धातु है ल्यप प्रत्यय है, इसका बन जाएगा आगम्य। इन सब में उपसर्ग लगे हुए हैं, धातुएं हैं और बाद में प्रत्यय है, इनके ये शब्द बन जाएंगे। घय में क्या है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, सिर्फ सीधी धातु है दृश्य यानी देखना, दृश्य धातु क्वा प्रत्यय, इसका शब्द क्या बन जाएगा दृष्ट्वा। अगला है शी, ये भी धातु है इसके भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, शी प्लस त्वा जिसका बन जाएगा शही त्वा शी यानी सोना, और क्वा प्रत्यय लग जाने के बाद में सो करके ये इसका अर्थ बन जाएगा। अगला च है लघु, लघु के तमप प्रत्यय लगा हुआ है, इसके भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, उन तीनों के उपसर्ग लगा है, इन तीनों के उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसका बन जाएगा लघुत्तम है। ये हमारा चौथा प्रश्न था। आगे पांचवें प्रश्न में इसने हमें शब्द दे रखे हैं, प्रकृति प्रत्यय विभाग करना पूछ रहे हैं कि इनको हमें तोड़कर बताना है। इन शब्दों में दो शब्द, पहला शब्द है रोदितुम जिसमें रुद्र धातु है और तुमुन प्रत्यय, उसका शब्द बन जाएगा रोदितुम। अगला शब्द है दृष्ट्वा, तो इसका दृष्ट धातु हो जाएगी और त्वा प्रत्यय हो जाएगा। आगे गय घय ड़े चे और छह जो शब्द हैं ये सारे इधर हैं, इसमें सारे चौथे प्रश्न में जो इन्होंने करके दे रखे हैं उसी तरीके से आपको करने हैं। ये जो सात आगे जो गय घय गय घय हैं वो आपको इस तरीके से करने हैं अगले वाले शब्द। अगला प्रश्न नंबर छः है अधोलिखितानि कथनानि कह काम कम काम च कथयति, यानी नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं वो कौन और किस से कह रहा है, जो वाक्य इन्होंने दिए हैं वो कौन और किस से कह रहा है। तो कह में जो ये वाक्य है पूर्व प्रातराशि क्रियताम, ये कौवा कह रहा है, किस से कह रहा है बालिका से कह रहा है, तो हम लिख देंगे का कह बालिकाम। अगला वाक्य है सूर्यातपे तंडुलान खगेव्यो रक्षे, सूर्य की रोशनी में धूप में चावलों की रक्षा करो, तो ये माता कह रही है अपनी पुत्री से, तो हम लिख देंगे माता पुत्रीम। अगला है तंडुलान माँ भक्षय चावलों को मत खाओ, ये वो लड़की बोल रही है कौवे से, तो अपन लिख देंगे बालिका काकम। अगला है हम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दस्यामि, मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा, ये कौवा कह रहा है उस लड़की से कह रहा है, तो हम लिख देंगे काकह बालिकाम। अगला है भौन नीच काकह हम आगता मयम तुम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, अरे नीच कौवे मैं आ गई हूँ मेरे चावलों का मूल्य दो, ये वो जो लालची लड़की है वो कह रही है कौवे से, तो अपन लिख देंगे लुब्धा बालिका काकम। ऐसे इन सबको लिखना है हमें छठे प्रश्न में, कौन किससे कह रहा है, ये कहने वाला ये किससे कह रहा है उसे, ऐसे हमें लिखना है। अगला सातवां प्रश्न है जिसमें इन्होंने हमें उदाहरण दे रखे हैं कोष्टक में, उन शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके हमें इन खाली स्थानों में भरना है। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में जो शब्द हैं उन शब्दों में पंचमी विभक्ति लगानी है। तो पहला है जन है ग्रामात बही आगच्छति, लोग गांव से आदमी गांव से बाहर आता है। नद्य है ग्रामात में पंचमी विभक्ति है, नद्य है पर्वतात निसरंती, नदियां पर्वत से निकलती हैं, तो पर्वत शब्द में हमने पर्वतात पंचमी विभक्ति लगा दी है।
वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष शब्द हमें पंचमी विभक्ति लगानी है तो हमने वृक्षात कर दिया है। अगला है बालकः सिंहात विभेति, यानी बच्चा जो है वो शेर से डरता है, विभेति यानी डरता है। बालक सिंहात विभेति, सिंह में हमने पंचमी विभक्ति लगा दी है। अगला है ईश्वर क्लेशात त्रायते, भगवान क्लेशात यानी किसी भी दुख से त्रायते यानी रक्षा करता है, तो क्लेश शब्द में हमने पंचमी विभक्ति लगा दी है क्लेशात। अगला है प्रभु भक्तम पापात निवारयति, यानी प्रभु जो है भगवान जो है अपने भक्त को पापात यानी पाप से निवारयति यानी दूर हटाता है, प्रभु अपने भक्त को पाप से दूर हटाता है, तो पाप शब्द में हमने पापात पंचमी विभक्ति लगा दी है। ये जो कोष्टक में दे रखे हैं शब्द इनमें हमने पंचमी विभक्ति लगा दी है, ग्राम में तो ग्रामात, पर्वत में तो पर्वतात, वृक्ष में तो वृक्षात, सिंह में तो सिंघात, क्लेश में तो क्लेशात, पाप में तो पापात। ये अपना आज दूसरा पाठ जो है नवमी क्लास में ये पूरा हो गया है। इस सारे काम को आप हिंदी अनुवाद करेंगे, शब्दार्थ करेंगे और ये सारे प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में पूरा काम करेंगे। ये जो योग्यता विस्तार है, योग्यता विस्तार में सबसे अंत में है तीसरे नंबर पर है, सबसे अंत में नहीं तीसरे नंबर पर, यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग अलग अलग रूपों में पांच से उनका जो सभी लिंगों में एक सा होता है, ये पांच जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग ये, और उसके बाद में एक वचन द्विवचन और बहुवचन, ये जो पुल्लिंग शब्द हैं ये पुल्लिंग शब्द आपको अपनी कॉपी में कर लेने हैं। योग्यता विस्तार में तीन नंबर पर जो पुल्लिंग शब्द एक वचन द्विवचन और बहुवचन है वो कर लेने हैं कॉपी में, और नपुंसक लिंग में जो दो शब्द हैं वो भी अपनी कॉपी में कर लेने हैं। इस प्रकार अपना ये दूसरा पाठ पूरा हो जाएगा, ये पूरा काम आप सभी को अपनी कॉपी में करना है।